हाँ जी, तो अज मैं जिहड़ा हैगा अपना थोड़ा जिहा एक्सपीरियंस तुहाडे नाल शेयर करना चाहांगा। उत्थों आपां इह समझांगे वी अजकल समय की डिमांड की है। जे तुसीं अज दे टाइम च कोई कॉम्पीटिटिव एग्जाम नूं क्वालीफाई करना चाहते हो तो तुहानूं किहड़ियां किहड़ियां गल्लां ध्यान दे विच रखणियां पैणगियां, की चीज़ां तुहानूं फॉलो करनियां चाहीदियां ने, किहड़ियां किहड़ियां चीज़ां वल तुसीं ध्यान देना। तो सब तो पहला हैगा जी, हुण उह स्लो एंड स्टडी वाला टाइम नहीं रहा, हुण तुहानूं फास्ट एंड स्टडी वाली चीज़ करनी पई। मतलब तुसी तेज भी चलोगे तो लगातार चलते रहोगे तो ही गल बन पाएगी। इस तो बाद है जी, जिमें सुनिया होगा स्टूडेंट्स कहने ये 20 लाख बच्चे पेपर दे रहे हैं, 25 लाख बच्चे पेपर दे रहे हैं, वो यही चीज़ सुन के जरा डर जाते हैं। तो कॉम्पीटिशन नाम की कोई चीज़ नहीं होंगी जी। जी चीज़ मैटर करेगी वो करेगी थोड़ी नॉलेज, थोड़ा डेटा, थोड़ी कॉम्पीटेंसी, भी थोड़ी की काबिलियत है, थोनू की आता है। हमेशा यही चीज़ मैटर करती है। किन्ने बच्चे पेपर दे रहे हैं वो चीज़ा जीडिया है एक टाइम पर आके खत्म हो जाती है। उस तो बाद बहुत बेसिक है जी, स्पीड प्लस एक्यूरेसी इज इक्वल टू सक्सैस, बहुत ही बेसिक लॉ ऑफ सक्सैस है, हमेशा ये चीज़ जी है फॉलो होंगी होंगी है। हूँ ये की है जी, जिड़े भी आप पेपर दिने आके देखा होगा भी ये तो अप टू 10th लैवल के होंगे ने, पेपर के क्वेश्चन तो बहुत ईजी होंगे, थोनों ए लगता होगा भी तो यार मैं आता ही सगा। तो मैटर ये करता है भी तुम कि जल्दी कर रहे हो तो किन्ने सही क्वेश्चन कर रहे हो, दैट इज स्पीड प्लस एक्यूरेसी। तो हूँ स्पीड प्लस एक्यूरेसी तो आ जाती है, बट ये एक चीज़ होर रिक्वायर्ड है, दैट इज कंसिस्टेंसी। कि तुम पहला 15 क्वेश्चन कर रहे हो, 20 क्वेश्चन कर रहे हो, उदो थोड़ी स्पीड भी हैगी है, एक्यूरेसी भी हैगी है। उस तो बाद फिर ढिले पै गए, उस तो बाद फिर स्पीड नॉर्मल होगी तो भी गल नहीं बनेगी। उस तो बाद यही है जी कि तुम डे बाय डे जो है अपने आप को इंप्रूव करना है, ताकि एक टाइम पर जोड़ा है इस तरह का टाइम आ जाएगा कि तुम इन्ने ज़्यादा इंप्रूव हो जाओगे, थोड़िया इन्नी ज़्यादा स्किल्स अच्छी हो जाएगी भी थोड़ा कॉम्पीटिशन का कोई जोड़ा है फर्क ही नहीं पेगा। उस तो बाद गल करिए जो इंटेलैक्चुअलिटी लैवल की, तो वह होंगे भी तुम कि अच्छी तरह चीज़ को समझ सकते हो, कि वधिया एक्सप्लेन कर सकते हो, तो यह तो ओवरऑल डेवलपमेंट वास्ते एक लाइफ के रिक्वायरमेंट होंगी हुई है, तो यह चीज़ तो थोड़ा करनी हो चाहिए। इस तो बाद जो आप गल करिए जी, हूँ इन्ना कुछ कर लिया ठीक है, तो लास्ट के विच की है जी, आप कहें भी जो आप छोटिया छोटिया अचीवमेंट्स करनिया स्टार्ट कर देंगे लाइफ के विच, या तुसी आ छोटिया छोटिया चीज़ों वल ध्यान देना शुरू कर देंगे हो, तो थोड़ी लाइफ के विच जिहड़ा हैगा वड्डियां वड्डियां चीज़ा अपने आप ही आन लग जांदियां, वड्डियां वड्डियां अचीवमेंट्स जिहड़ा अपने आप ही आन लग जांदियां ने। हुण सब तो पहला तो ये मैं यही कहांगा जी कि छोटिया छोटिया चीज़ा नाम की कोई चीज़ नहीं होंगी, जिहड़ियां ये छोटिया छोटिया चीज़ा ने यही सब तो वड्डियां चीज़ा ने। स्मॉल थिंग्स थोड़ा जिहा गलत वर्ड आप यूज़ करते हैं, एक्चुअल यही मेन चीज़ा ने, यही छोटिया छोटिया जो चीज़ा ने, ज़्यादा फोकस इस पर होना चाहिए। जो तुम इनू प्रॉपरली फॉलो करोगे, इनू पूरी पूरी वेटेज दोगे, इनू वर्थ समझोगे, ता ही तुम ये चीज़ फील करोगे कि जोड़ा हैगा वीक अचीवमेंट्स नाम की भी कोई चीज़ नहीं होती। उम्मीद करदा जी तुम जोड़ा है सारिया चीज़ा जल्दी तो जल्दी फॉलो करना स्टार्ट करोगे, and you will get what you want. Thank you. Best of luck.